कैंसर के नाम पर दान लेकर मौज मस्ती करती थी युवती। नई दिल्ली। आपको साउथ इंडियन सिनेमा की फिल्म मास का एक कॉमिक सीन याद है, जब कॉमेडी स्टार रेणु यादव झूठा कैंसर का मरीज बन गुंडा बने नरसिंह यादव से पैसे इटते थे। वो कैंसर की झूठी बीमारी का बहाना कर पैसे लेकर शराब और पार्टी में उड़ाते थे। कुछ ऐसा ही मामला ऑस्ट्रेलिया से सामने आया है। यहाँ एक 24 साल की लड़की टर्मिनल कैंसर का बहाना कर अपने दोस्तों और घर वालों से ही पैसे लेती और बाहर शराब पार्टी में उड़ाती। इस कैंसर से होती है महिलाओं की सबसे ज्यादा मौत। कारण है जांच से शर्माना। टर्मिनल कैंसर जैसी बीमारी होने का बहाना कर व झूठ बोलकर दोस्तों व परिवार से पैसे लेने वाली एक 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई युवती को 3 महीने की जेल हुई है। बीबीसी के मुताबिक न्यायाधीश ने झूठ बोलकर पैसे जुटाने के इस घोटाले को घृणित बताया। हन्ना डिकिंसन ने अपने माता पिता से विदेश में इलाज कराने की जरूरत बताकर $31,000 लगभग 2,03,00,000 लिया। कैंसर से खुद को बचाने के लिए जरूर खाएं ये 10 फूड। उसके माता पिता को अपने दोस्तों से दान मिला। डिकिंसन ने पैसों को छुट्टियां मनाने, मौज मस्ती करने और पार्टी करने में उड़ा दिया। डिकिंसन को धोखा देकर संपत्ति प्राप्त करने पर मेलबर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 आरोपों में दोषी बनाया। सजा सुनाने के दौरान न्यायाधीश डेविड स्टारविगी ने कहा कि डिकिंसन उस काम मैं शामिल हुई जो मानवीय स्वभाव के अनुसार किसी को भी भावुक बना देता है। क्या होता है कैंसर, जाने इसके लक्षण, इलाज और कारण। उन्होंने कहा, लोगों की सहायता करने और सामाजिक विश्वास की इच्छा को ठोस पहुंचाया गया है। ये वो लोग हैं जो कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अदालत को बताया गया कि एक शख्स ने अपना कैंसर का इलाज कराकर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद डिकिंसन को $7,750 दान में दिए। एक अन्य शख्स ने 4 अलग अलग मौके पर धन दिया। बीबीसी के अनुसार डिकिंसन का यह झूठ तब पकड़ा गया जब एक और दानकर्ता ने उसकी तस्वीर फेसबुक पर देखकर संदेह जताया और पुलिस को जानकारी दी। इनुपिट राये एनएस। ये हैं कैंसर के वो 5 खतरनाक लक्षण जिन्हें पुरुषों को नहीं करना चाहिए। नजरअंदाज देखें वीडियो और कैंसर से लड़ रही नन्ही बच्ची बनी एक दिन थानेदार। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।